शांत रहो जी। मेरी ज़मीन ज़मीन है यहाँ पे शहीद पथ पे डीपीएस के बगल में, जिसके पास मेरे पास 2009 से कब्ज़ा है। 2012 में जगमोहन यादव जी ने या बिन्नी इंफ्रास्ट्रक्चर ने ज़मीन खरीदी, जिसमें उन्होंने चौधरी बदल के मेरी ज़मीन को तब से जो है ये लोग कब्ज़ा करने में लगे हुए हैं, जिसमें दो तीन दिन पहले भी इन्होंने रात को कब्ज़ा करने की कोशिश करी है और मैंने उसमें FIR भी करवाई है। मतलब पूरा जो इन्होंने मेरी ज़मीन कब्ज़ा करने का तरीका जो निकाला है वो चौहद्दी बदल के निकाला। अगर इनकी चौहद्दी और जिनसे इन्होंने खरीदी थी उस चौहद्दी को अगर गौर से देखा जाए तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना बड़ा इन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश करी है। और मेरे को मतलब इतना इन लोगों ने मेंटली टॉर्चर करा है मेरे खिलाफ़, फर्जी केसेस कर करके धमकियां दे दे के कि मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। इसीलिए मैं आज मीडिया के पास आया हूँ और मुझे बहुत होप है मुख्यमंत्री जी से और DGP साहब से कि मेरी जान माल की रक्षा करी जाएगी, मेरी फैमिली की रक्षा करी जाएगी और मुझे जस्टिस मिलेगी। सर, कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? जगमोहन यादव जी के लोग हैं जो पूर्व DGP हैं और उनका इस ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है, उनका रजिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है। तो ये भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि वो इस प्रॉपर्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं जब उनकी वो ज़मीन है ही नहीं। वजह तो कीमती ज़मीन है, इसलिए कीमती ज़मीन के बारे में इसका हम लोग का विवाद जो है ऑन पेपर मतलब जो हुआ है वो 2012 से हुआ है, लेकिन ये लोग उससे पहले से मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उनको ज़मीन बेचने, कौड़ी के भाव ज़मीन बेचने।